हे गाइस, कैसे हो आप लोग? दोस्तों मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिश मेक योरसेल्फ यूनिक। गाइस, आप सबके क्वेश्चन आ रहे थे कि सर सिविल इंजीनियरिंग में ऑनलाइन बिजनेस पॉसिबल है क्या? सिविल इंजीनियरिंग में ऑनलाइन बिजनेस पॉसिबल है क्या? हाँ, सिविल इंजीनियरिंग में मुख्य रूप से अगर आप चार सेक्टर ऐसे हैं जिसमें अगर ऑनलाइन बिजनेस करते हो तो अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हो। कौन कौन से वो चार सेक्टर है? पहला सेक्टर है मटेरियल्स का, दूसरा सेक्टर है डिजाइनिंग का, तीसरा है कंस्ट्रक्शन का और चौथा है सेलिंग का। कैसे इन चारों सेक्टर में करियर बना सकते हो, इस पर फुल डिस्कशन करूंगा इस वीडियो में। आपको क्लियर हो जाएगा जिसका भी माइंड एंटरप्रेन्योरशिप के लिए घूम रहा होगा, पार्ट टाइम इनकम के लिए घूम रहा होगा। बहुत ही आसानी से इन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आप इसमें अच्छी अर्निंग कर सकते हो विथ योर जॉब। कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं आएगा आपके जॉब में। चलिए जी, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला सेक्टर है मटेरियल्स। गाइस, आप कहीं भी जॉब कर रहे हो, करो, जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फुल टाइम भी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मटेरियल्स के लिए आपको क्या करना है, आप सिर्फ और सिर्फ एक कोई भी एक्सवाइजेड कंपनी से रजिस्टर्ड कर लीजिए अपने आप को, ठीक है। अब आपने एक बंदे से टाई अप कर लिया, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके पास ज़्यादा इनकम नहीं होगी, तो आप बस उनको ये बोल दीजिए कि हम आपके प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे, ठीक है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका भी कुछ भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे नहीं है। आपने जस्ट डायल पे या फिर ऐसे बहुत ढेर सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, इंडिया मार्ट है, जस्ट डायल है, उसमें आपने आपको रजिस्टर्ड कर दिया और मार्केट से कम प्राइस पे, ठीक है, जो भी मार्केट का प्राइस है उससे कम प्राइस पे आपने अपने आप को टैग कर दिया कि भाई हम इतने प्राइस पर ये देंगे। फिर कम मतलब एकदम से कम मत कर दो, क्योंकि आपको ही मार्जिन लेना है। उसके बाद आपका कुछ भी नहीं है, ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ फ़ोन करके सामने वाले जिस दुकान से आपने रेट लिया था या फिर जिसको बोला था कि हम आपसे टाइप कर रहे हैं, उसको बोल दो कि इस एड्रेस पर आप माल को भिजवा दीजिए। बहुत ही आसान स्टेप है, बहुत लोग इस पे पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने MBA किया हुआ है, तो उनसे मैंने ये चीज़ सीखा था। ही इज़ नॉट फ्रॉम सिविल बैकग्राउंड, बट उन्होंने सीमेंट के लिए, सीमेंट के कई ढेर सारी कंपनियों के जो एजेंसीज होती हैं उनसे कॉन्टेक्ट कर लिया है और ऑनलाइन वो लोगों ने एक्सप्लोर कर दिया है खुद को। अब जिसको भी सीमेंट चाहिए होता है कॉल इनके पास आता है, ये फ़ोन कर देते हैं सामने वाले को, वो सामने वाला जिसकी एजेंसी है वो अपने आप डायरेक्ट माल पहुँचवा देता है और ट्रक सेलिंग्स हो जाती है। तो इस तरीके से ना केवल ट्रक्स सीमेंट में, आपको सैंड में भी और क्या बोलते हैं दूसरे जो ब्रिक्स वगैरह हैं, इन सब में आप लोग मटेरियल्स में बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हो। अगर आपके माइंड में ये दिमाग में बन रहा है कि कैसे, तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा खोजबीन करोगे, आप कर सकते हो। कुछ नहीं करना है, जिस डायल पे आप जाइए, खुद को रजिस्टर्ड कर दीजिए, इंडिया मार्ट पे जाइए, खुद को रजिस्टर्ड कर दीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे तो करना ही करना है। लोग आपको कॉल करेंगे, आप उनको सिंपल्स के रूप में पिक्स उनके लेके डायरेक्ट सेंड कर सकते हो, या फिर लोगों को पता भी रहता है कुछ मटेरियल्स के बारे में, बस आपको फटाफट पहुंचवाना है। तो ये रहा मटेरियल्स का बिजनेस। दूसरा बिजनेस है डिजाइनिंग्स का। डिजाइनिंग्स के लिए अगर आप खुद से स्किल हो तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। खुद से नहीं भी हो तो आप अपने कुछ फ्रेंड्स होंगे जिन्होंने staad.pro सीखा होगा स्ट्रक्चर डिजाइनिंग के लिए, जिन्होंने मॉडलिंग सीखा होगा रेबिट या 3ds Max पर ऐसे बच्चे को, और जिन्होंने प्लानिंग किया होगा ऑटोकैड पर, इन तीन चार लोगों को कम्युनिटी बना लीजिए। सिर्फ इनसे बात कर लीजिए कि भाई हम लोग ऐसा ऐसा कर रहे हैं, आपका भी ग्रोथ होगा, हमारा भी ग्रोथ होगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। मतलब आप किसी को फूल थोड़ी बना रहे हो, आप उसको पैसे दे रहे हो, उसको बिजनेस दे रहे हो। अब आप अपने हर एक सोशल मीडिया नेटवर्क्स के माध्यम से आप अपने आप को एक्सप्लोर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और फिर से बोलूँगा जिस डायल पे, सुलेखा पे, इंडिया मार्ट पे अपने आप को रजिस्टर्ड कर दीजिए। लोग वहाँ से बहुत ज़्यादा कॉन्टेक्ट करते हैं, लीड अच्छी मिलती है, और बस वहाँ से आपको डिज़ाइनिंग का काम आता है। आपने जिससे टाई अप कर रखा है उनको काम दीजिए, और उनको काम बोलिए कि आप सैंपल करके दिखाइए, तब आपको पेमेंट मिलेगा। सैंपल दीजिए क्लाइंट को, क्लाइंट पसंद करता है तो सिक्योरिटी मनी लीजिए और उनको बोल दीजिए काम करने के लिए। बस डिजाइनिंग में बहुत आसान से काम कर सकते हो। और बड़े लेवल पे जाना है तो फिर मैंने बता रखा है आपको fiverr.com, freelancing.com, upwork.com, यहाँ पर रजिस्टर्ड करिए, वहाँ से बिडिंग करके काम उठाइए बल्क में। यहाँ पर अपने दोस्त जो भी होंगे जिनके साथ आपने टाई अप कर रखा है उनको काम दीजिए, वो काम करें, आप सबमिट करिए, इनकम लीजिए, उनको भी दीजिए और आप भी अर्निंग करिए। तो मटेरियल्स में भी काम अच्छा मिलेगा और डिजाइनिंग में भी अच्छा मिलेगा। तीसरा जो सेक्टर है वो है कंस्ट्रक्शन। उसमें थोड़ा सा आपका रोल हो सकता है विजिट करने का। आज के टाइम में बहुत अच्छे अच्छे कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनको सब कुछ पता है। कॉन्ट्रैक्टर मतलब आपके ही कोई फ्रेंड वगैरह हैं जिनको सबको काम करना आता है, बट उनके पास काम की कमी है, एग्जैक्टली उनको काम नहीं मिल रहा है, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो कि आप सिर्फ और सिर्फ उनको ये प्रोवाइड कर सकते हो, हम आपको काम प्रोवाइड करेंगे, इतना परसेंट हमारा इंसेंटिव होगा, प्लस जो हम आपको काम डिजाइनिंग हमारा रहेगा, तो जो हम आपको काम देंगे हम क्रॉस चेक करेंगे, अगर डिजाइनिंग सेम टू सेम नहीं रहा तो हम यहाँ पर ही पैसे कट करेंगे। अपना रूल्स एंड रेगुलेशन बना लीजिए। अब क्या करना है, आपको क्लाइंट लेके आना है।
क्लाइंट लेके आने के लिए बड़ा ही अच्छा प्लेटफॉर्म आज के टाइम है, ओएलएक्स है, क्विकर है, जस्ट डायल है, ठीक है, और ये सब प्लेटफॉर्म पे लोग बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं प्रैक्टिकली, ठीक है, और क्या बोलते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम भी थोड़ा बहुत हेल्प कर देता है। तो यहाँ से आप क्या करिए, काम उठाइए, लोगों को पहले दिखाइए अपना काम, लोगों ने कॉन्टेक्ट किया, लीड आइए, कॉल करिए उनको, उनको विजिट करिए, उनको अपना प्राइस टैग दीजिए, उसके बाद बताइए कि हम इस काम में को इस तरीके से यूनिक बना रहे हैं कंपेयर टू अदर्स, और फिर उसके बाद अपने कॉन्ट्रैक्टर को समझाइए कि भाई हम ऐसे ऐसे करने वाले हैं। मैक्सिमम चीज़ें आपकी ऑनलाइन हो जाएंगी, थोड़ा सा ऑफलाइन जाना पड़ेगा साइट विजिट के लिए बीच बीच में कि काम सही चल रहा है क्या, नहीं तो नाम आपका खराब होगा, और नाम खराब होगा तो बिजनेस गया, ठीक है। जिस दिन आपने अपने नाम को खराब कर दिया आपका बिजनेस चला जाएगा। इसलिए किसी भी काम में क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं, क्वालिटी से कंप्रोमाइज कभी भी मत करना। चलिए, तो इसमें भी आपका तीसरा नंबर का बिजनेस कंस्ट्रक्शन का हो गया। चौथा आप कर सकते हो, बहुत ही अच्छा अगर आपको इनकम करना है तो सेलिंग्स में, ठीक है, कहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा अगर ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज होती है तो मार्केटिंग एंड सेलिंग्स में होती है। तो सेल्स में कैसे कर सकते हैं हम लोग, सेल्स के लिए सबसे अच्छा जो हेल्प कर रहा है आज के टाइम में मैजिक ब्रिक कर रहा है, ठीक है, और ये अपना ओएलएक्स कर रहा है, क्विकर कर रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत इसमें फेसबुक व्हाट्सएप जैसा हर जगह करता है, यहाँ से कर रहे हैं। क्या करना है आपको, ब्रोशर्स लेने हैं अपने जो भी अगल बगल आपके देखते हो कि अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बन रही है, उनके डायरेक्ट जो उनके ऑनर उनसे कॉन्टैक्ट करिए, जो बिल्डर्स हैं उनसे कॉन्टैक्ट करिए, उनको बोलिए कि हम आपके फ्लैट्स को सेल करेंगे, तो आपको सारा मटेरियल दे देंगे, डिजाइनिंग्स दे देंगे, आप उनको अपने हर सोशल मीडिया पर डालिए, क्विकर और उनसे पर लीड्स मिलती हैं बहुत अच्छी अच्छी, जो लोग इंटरेस्टेड रहते हैं वो क्लिक करते हैं, लीड्स मिलती है, उनको कॉल करिए, उनसे मीटिंग करिए, ठीक है, मैक्सिमम मीटिंग ऑनलाइन आप आज के टाइम में कर सकते हैं, सभी लोग प्रीफर करते हैं जूम के थ्रू, मीटिंग के थ्रू, गूगल मीट के थ्रू आप मीटिंग करिए, डन हो तो फिर आप एक बार ऑफलाइन मीटिंग कर लीजिए, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ जाकर उनको फ्लैट दिखाइए। अगर 20 लोगों को फ्लैट दिखाते हैं, अच्छे से आप उनको समझाते हैं, प्लस उनको अच्छी चीज़ दिखाते हैं, जब आपको लगता है कि अगर मुझे लेना हो तो मैं भी ले लूँगा, तो डेफिनेटली आप उनको कन्विंस कर लेंगे। और अगर एक बिल्डिंग भी आप सेल करते हैं तो मिनिमम परसेंटेज 1% का कमीशन होता है, और अगर आपने अच्छा किया तो दो, मतलब अच्छे बिल्डर्स अगर हैं, अच्छे मतलब जो थोड़े से अच्छा इंसेंटिव देते हैं, तो वो 2% तक आपका इंसेंटिव दे सकते हैं। अगर 50 लाख का फ्लैट आपने सेल किया तो आपके पास 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा इनकम है विथ योर जॉब, आपने जॉब को नहीं लेफ्ट किया है। और अगर आप इस काम को, इन चारों काम में से किसी भी काम में अगर ग्रोथ ले लेते हो, तो मैं बोलूँगा कि आप जॉब को लेफ्ट करके उसी पर कंसंट्रेट हो जाइए। अब वैसे कई ढेर सारे बच्चे बोल रहे होंगे सर इसमें रिस्क है, कोई रिस्क नहीं है, मुश्किल से 2,000-3,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा चारों काम में अपने आप को ट्रायल मारिए, चारों में से जिस काम को आपको लगता है कि मुझे इसमें मजा आ रहा है, प्लस जिस काम में आपकी इनकम अच्छी हो, उस काम में कंटिन्यू हो जाइए, और एक काम को पकड़ के धीरे 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 उसको पार्ट टाइम पे इतना बड़ा कर दो कि फुल टाइम को नमस्ते बोलना पड़े, इसी में हम करने लगे। मैंने भी कुछ इस तरीके के चीज़ें फॉलो की थी, और उसके वजह से मैंने आपको सजेस्ट किया एकदम प्रैक्टिकल वे, कोई भी हवा हवाई वाली बातें नहीं कि ऐसे कर लेंगे, अरबपति हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, नहीं, ठीक है, हम नेटवर्क मार्केटिंग वाले नहीं हैं, ठीक है। तो आपको ये जेन्युइन तरीका बताया है, ट्राई करना हो तो आप ट्राई कर लो, आपने कमेंट किया था ऑनलाइन बिजनेस तो मैंने आपके लिए सजेस्ट किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस, और भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट किया करो यार, कमेंट करने से आइडिया लगता है कि आपको क्या चाहिए एग्जैक्टली, आप कहाँ पे फंस रहे हो, जहाँ पे फंस रहे हो हमारा एक्सपीरियंस अगर उस फील्ड में है तो हम आपकी सेवा के लिए आ जाते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।